आगामी 3 फरवरी को एयू बैंक जयपुर मैराथन के 10 साल के जश्न को मनाने के लिए एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सामाजिक संगठन, स्कूल संचालकों, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। जयपुर मैराथन को लेकर 10 साल के अनुभवों और प्रयासों को भी चर्चा की गई। जयपुर मैराथन के 10 साल के जश्न को सफल बनाने के लिए सामूहिक बैठक में आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा, मुकेश मिश्रा, शिक्षाविद एलसी भारतीय, समाज सेवी शशि गुप्ता, राजेश भारद्वाज, अमर वर्मा और पूजा शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मान्यता मिल चुकी है और जो उसका IMR का सर्टिफिकेट होता है उनको मिलता है, तो इसका फुल मैराथन 42 किलोमीटर की रहेगी। आप मैराथन 21 किलोमीटर की रहेगी, ड्रीम रन 6 किलोमीटर की रहेगी, इसके अलावा 5 किलोमीटर की और 3 किलोमीटर की अलग अलग रन हमने रखी है। तो इसमें अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका मिलेगा। उनको सेलिब्रिटी नहीं बुलाया, 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारे शहर का एक वो इवेंट है जिसमें लोगों की भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि हमारे शहर का नाम बड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत जयपुर ने की थी। आज ये जयपुर की मैराथन अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस बार 3 फरवरी को एयू जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख से ऊपर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। लगभग 20 देशों के धावक इस बार इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 42 किलोमीटर जो फुल मैराथन रहेगी, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रहेगी, ड्रीम रन और 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रन भी हमने इसमें रखी है। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से दौड़ेंगे और इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हम चाहेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बने कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और हमारा सोच है कि जयपुर एक फिट रहे और हिट रहे, सबसे आगे रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इस भावना के साथ हमने इस मैराथन को प्रारंभ किया था। लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग चलाते हैं इसके बाद। और ये जयपुर का बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसमें खाली मैराथन ही नहीं है, लोगों का एक मस्ती का मूड भी रहता है, लोग दौड़ते भी हैं, साथ साथ अपने शहर से प्यार दिखाने के लिए अपने अपने स्तर पर इन्जॉय भी करते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार मैराथन में बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है और लगभग 300 से ऊपर संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कूल, कॉलेज इस बार मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे।